आज से हम प्रॉपर वे में हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ लॉ ऑफ टॉट्स से भी डील करेंगे। ये वीडियो लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम टॉट के बेसिक मीनिंग को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने किस तरह से टॉट को डिफाइन किया है, टॉट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी लॉ ऑफ टॉट्स को इवॉल्व करने की। राइट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टॉट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टॉट। टॉट बेसिकली एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स, जिसका मतलब है ट्विस्टेड कंडक्ट और रॉन्गफुल कंडक्ट या अनलॉफुल कंडक्ट। या आप कह सकते हो कंडक्ट ऑफ अ पर्सन विच कैनॉट बी जस्टिफाइड लीगली। एक पर्सन का वो कंडक्ट जिसे लीगली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, उसी कंडक्ट को हम कहते हैं टॉट। और टॉट बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जो टॉटम से निकला है। द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड कंडक्ट और रॉन्गफुल कंडक्ट और अनलॉफुल कंडक्ट, या कंडक्ट ऑफ अ पर्सन विच कैनॉट बी जस्टिफाइड लीगली। इन बेसिक टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि टॉट बेसिकली एक पर्सन का रॉन्गफुल कंडक्ट है दूसरे पर्सन के प्रति, और उसके उस कंडक्ट के वजह से दूसरे पर्सन का लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होता है, लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है। राइट, तो बेसिकली टॉट में क्या होता है, दी कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन विच इज लीगली रॉन्ग, विच इज लीगली रॉन्ग विच इन रिटर्न, विच इन रिटर्न वॉयलेट्स the private legal rights of another person. तो इस पर्टिकुलर पर्सन का जो कंडक्ट है, जो एक्शन है, वो कहलाएगा टॉट। एक पर्सन जो टॉट कमिट करता है उसे कहा जाता है टॉट फीजर, या इसे आप रॉन्ग डूअर भी कह सकते हो। और इसके उस कंडक्ट, उस एक्ट के वजह से जिस दूसरे पर्सन का प्राइवेट लीगल राइट्स वॉयलेट होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं प्लेंटिफ और रॉन्ग सीकर। तो एक पर्सन हु इज टॉट फीजर, जिसके एक्ट के वजह से, जिसके कंडक्ट के वजह से, फिर चाहे वो कंडक्ट इंटेंशनली किया गया हो या अनइंटेंशनली किया गया हो,
उसके उस एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो ही इज लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन। इसे क्या करना है, कॉम्पनसेशन पे करना है। तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ टॉर्ट। अब एक पर्सन के कौन कौन से एक्ट्स टॉर्ट में आएंगे, तो टॉर्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बैटरी, अशॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, नेग्लिजेंस, राइट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, कन्वर्जन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इन सभी टॉर्शियस एक्शंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी के लिए आप जानो कि जो वर्ड टॉर्ट है, जैसे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर थूक दे रहा है, ही इज स्पिटिंग ऑन अनदर पर्सन, तो ये भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट, राइट। एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसके लीगल राइट्स का यूज करने से मना कर दे रहा है या रोक रहा है, जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसके राइट टू वोट से प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। तो राइट टू वोट इज हिज पर्सनल राइट, और दूसरे पर्सन ने उसके उस पर्सनल राइट को एक्सरसाइज करने में रोका, यानी उसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन किया, तो ये भी क्या है, ये भी एक टॉर्ट है। किसी पर हमला करना टॉर्ट है, किसी को कैद करके रखना ये भी क्या है, टॉर्ट है। ट्रेसपास ये भी क्या है, टॉर्ट है। डिफेमेशन ये भी क्या है, टॉर्ट है, राइट। तो ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है, इट इज मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी जो अपने लीगल राइट्स को, जो अपने लाइबिलिटीज को विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ, उसे नहीं निभा पाती है, और उसके वजह से दूसरे पर्सन को लॉस होता है, लॉस इन द टर्म ऑफ लीगल इंजरी, उसके लीगल राइट्स वॉयलेट होते हैं। तो एक पर्सन जिसकी कुछ ड्यूटीज बनती थी, जो कि प्राइमरीली फिक्स्ड किया गया था लॉ के द्वारा, इस पर्सन ने अपने उस लाइबिलिटी को नहीं निभाया, जिसके वजह से दूसरे पर्सन के लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, तो ही इज रॉन्ग डूअर और टॉर्ट फीजर, एंड ही इज प्लेंटिफ और रॉन्ग सीकर। तो देर आर टू पार्टीज इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो एक पर्सन जिसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, ही इज लाइबल टू बी कॉम्पनसेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रॉन्ग डूअर और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉर्ट फीजर। अब द मोस्ट लाइकली काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स हर्ड डेली इन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन कोर्ट्स आर द काइंड्स दैट अराइज फ्रॉम इंटेंशनल और नेग्लिजेंट एक्ट्स और फेलियर्स टू एक्ट दैट रिजल्ट्स इन इंजरी टू द पीपल और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। अब कह रहे हैं कि अगर हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, कोर्ट्स में जो टॉर्ट के मामले आते हैं वो बेसिकली किसी पर्सन के इंजरी या उसके प्रॉपर्टी को लेकर के आते हैं,
एक पर्सन जो इंटेंशनली दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन करता है या उसके प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार से कोई वॉयलेशन करता है। बिकॉज अगर ये प्रॉपर्टी है और इफ ही इज ओनर, तो इस प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी राइट्स हैं वो इस पर्सन के पास है। तो दूसरा पर्सन क्या करता है, ट्रेसपास करता है, राइट। सम कॉमन टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स आर जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, डैमेज टू पर्सनल प्रॉपर्टी, इसके पर्सनल प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई डैमेज करता है, या कन्वर्जन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। तो ये क्या है, कुछ कॉमन टाइप ऑफ थॉट्स हैं जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, किसी को धक्का दे देना, मुक्का दिखाना, किसी पर थूक देना, डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस। दीज आर सम कॉमन एक्शंस विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉट, राइट। अब देखो, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 2M डिफाइन करता है टॉट को। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 डिफाइन्स द वर्ड टॉट और ये कहता है टॉट क्या है। तो सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिफाइन करता है टॉट को इन वर्ड्स में, कहता है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉट क्या है, टॉट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली breach of contract or breach of trust। तो अगर tort को define करने के लिए आता है तो आप section 2M of limitation act को भी refer कर दोगे, जो कि कहता है tort is a civil wrong। tort क्या है, tort एक civil wrong है, which is not exclusively, जो कि क्या नहीं है, breach of contract नहीं है और breach of trust नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि tort एक civil wrong है लेकिन tort में breach of trust और breach of contract नहीं आता है। Tort is a civil wrong, but all civil wrongs are not tort, क्योंकि civil wrong में breach of contract और breach of torts भी, breach of trust भी आता है। Tort is a civil wrong, but all civil wrongs are not torts, क्यों, क्योंकि civil wrongs में breach of contract और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आता है लेकिन टॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इंक्लूड नहीं करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं टॉट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट, राइट। अब देखो विनफील्ड किस तरह से टॉट को डिफाइन करते हैं। विनफील्ड कहते हैं कि टॉर्शियस लाइबिलिटी मे अराइज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो टॉर्शियस लाइबिलिटी
अराइज तब होती है जब एक पर्सन अपने ड्यूटी को ब्रीच करता है, अपने ड्यूटी को नहीं निभाता है, वो ड्यूटी जो कि प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ है। एंड दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली, ये जो उसकी ड्यूटी है विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ, या ये जो उसकी लाइबिलिटी है विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ, उसने उस लाइबिलिटी को नहीं निभाया जो कि लाइबिलिटी था टुवर्ड्स द पीपल। अब चूंकि उसने उस लाइबिलिटी को नहीं निभाया जिसके वजह से दूसरे पर्सन्स को लॉस हुआ, लीगल इंजरी हुआ, उनके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, इट इज रिड्रेसिबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये जो प्लेंटिफ है इसे इसके उस लीगल इंजरी को ठीक किया जाएगा बाय ग्रांटिंग हिम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जो टॉट फीजर है वो इसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइड करेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स डैमेजेस विच आर नॉट प्री डिटरमिंड, डैमेजेस विच आर नॉट प्री डिटरमिंड। ऑब्वियसली यहाँ पर फाइनेंशियल डैमेजेस की बात किया जा रहा है, ही इज लाइबल फॉर कॉम्पनसेशन, और वो जो कॉम्पनसेशन होगा वो अनलिक्विडेटेड है विच इज नॉट फिक्स्ड, जो कि डिपेंड करेगा नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस के बेसिस पर, जिसे फिक्स करेगा कौन, कोर्ट। तो व्हाट इज टॉट इन द वर्ड्स ऑफ विनफील्ड, तो आप कह सकते हो टॉट इज बेसिकली सिविल रॉन्ग which is not exclusively breach of contract or breach of trust according to section 2M of Limitation Act, and in the words of Winfield, tortious liability of a person may arise from the breach of duty which was primarily fixed by the law, and this duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. Unliquidated damages means which is not fixed, which will depend upon the nature and circumstances of the cases, and which will determine by the court, right? Now, to constitute a tort, कब कहोगे कि हाँ tort हुआ है? तो इसके कुछ elements हैं, जैसे there must be some act or omission on the part of defendant, defendant ने कोई act कोई omission किया है, if he is a wrongdoer, if he is a tortfeasor, और इसके किसी एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन का लीगल राइट्स वॉयलेट हुआ है, तो इस प्लेंटिफ और ये डिमांड करेगा डैमेजेस कॉम्पनसेशन, तो ये tortfeasor अपने आप को डिफेंड करेगा, तो ही इज वॉट, ही इज डिफेंडेंट। तो वही कह रहा है देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, एंड दैट एक्ट और ओमिशन अमाउंट्स टू violating the legal rights of a person or plaintiff, right? और ये जो wrong doer है, इसका जो wrongful act है, this wrong may include tortious and criminal liability. तो इसके इस रॉन्गफुल एक्ट के वजह से क्रिमिनल एज वेल एज टॉर्शियस लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है,
लॉ ऑफ टॉट्स में जो ड्यूटी होता है एक पर्सन का, वो टुवर्ड्स पब्लिक होता है एट लार्ज। जैसे इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार, एक पर्सन अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो इट इज हिज ड्यूटी कि वो अपने साइड से चलाए, विद इन स्पीड लिमिट हो और ड्रंकेन स्टेज में ना हो, ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। तो इसके कुछ ड्यूटीज हैं जो टुवर्ड्स पब्लिक एट लार्ज हैं, और इसके इस रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए दोनों ही टॉर्शियस एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, राइट? तो वही कहा जा रहा है। ब्लैकस्टोन ने कहा है कि रॉन्ग्स मे बी डिवाइडेड इनटू, हम रॉन्ग्स को WROONGS रॉन्ग्स, रॉन्ग्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक प्राइवेट रॉन्ग, एक प्राइवेट रॉन्ग और दूसरा पब्लिक रॉन्ग। तो ब्लैकस्टोन ने कहा है कि रॉन्ग्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग्स। प्राइवेट रॉन्ग जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करता हो, पब्लिक रॉन्ग जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करता हो। तो रॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग, इन द वर्ड्स ऑफ ब्लैकस्टोन। और सालमन कहते हैं देर इज नो लॉ ऑफ टॉट, देर इज लॉ ऑफ टॉट्स। सालमन क्या कहते हैं? सालमन कहते हैं कि देर इज नो लॉ ऑफ टॉट, देर इज लॉ ऑफ टॉट्स। यानी इस डेफिनेशन के बेसिस पर सालमन ने यह समझाया है कि जो लॉ ऑफ टॉट्स है उसका जो दायरा है, जो स्कोप है, इट इज वेरी मच वॉइडेड। तो अकॉर्डिंग टू सालमन there is no law of thought but there is law of thoughts, ठीक है? तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने thought के बेसिक मीनिंग को समझा और हमने thoughts के डेफिनेशन को देखा इन द वर्ड्स ऑफ विनफील्ड, इन द वर्ड्स ऑफ सालमन एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी मैक्सिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन मैक्सिम्स के वजह से ही लॉ ऑफ टॉट्स का ओरिजिनेशन हुआ है, जिन मैक्सिम के बेसिस पर लॉ ऑफ टॉट फोर्स में आया है, इवॉल्व हुआ है, राइट? जिस तरह से हमने IPR, ADR, एथिक्स इन सब्जेक्ट्स को कवर किया, इन सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह से हम लॉ ऑफ टॉट्स और हिंदू मैरिज एक्ट के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नॉलेज ग्रुप सर्च करके। थैंक यू, हैव नाइस डे।